तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज अब देखने वाले हैं जहाँ पर गुजरात टाइगर्स के एक प्लेयर ये चीज को लेकर काफी गुस्सा हो गए। फिर देखेंगे जहाँ पर न्यू रियड किए गोल्ड लाइक एंड ओरैंगुटैन के पॉडकास्ट के रिलेटेड। एंड फिर देखेंगे गाइस फाइनली स्काउट एंड मवी अब हमको एक साथ देखने को मिलेंगे, बट क्या पास में उनके बीच में कुछ अनबन हुई थी। और गाइस अब मिलवाता हूँ आपको तीन बड़े खिलाड़ियों से, नरेंद्र सिंह बघेल, विशाल सिंह फ्रॉम आजमगढ़ और महनूर भाई फ्रॉम गाजियाबाद। इन सब ने जीता है एक ब्रांड न्यू iPhone 15, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। आप लोग बैठे ही रह गए और खिलाड़ी बाजी भी मार गए। अभी भी मौका है आपके पास, चलो आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं ओरैंगुटैन के पॉडकास्ट के रिलेटेड, जहाँ पर गोल्ड लाइक के रिलेटेड हमको रिएक्शन देखने को मिला था। ये सब गाइस मैंने प्रीवियस 2 वीडियो में कवर किया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी आप देख सकते हो। तो वो चीज रिलेटेड गाइस आज नियो रिप्लाई किए, जब ओरैंगुटैन के ओनर यश भानुशाली से ये पूछा गया था कि हमको वो लोग पॉडकास्ट में देखने को क्यों नहीं मिलते हैं। इस पर वो कुछ ये कहे थे कि जब हमने उनको कॉल किया था उन्होंने कॉल नहीं उठाए, उनको ऐसा लगता था कि वो काफी बड़े हैं ये पॉडकास्ट में आने के लिए, तो अब अपने घर पर रहिए एंड सुनिए जो हमको बोलना है। तो ये सब पर गाइस न्यू रिएक्ट किए, अब देखिए। तो ऐसा नहीं है, और हमने बुलाया भी है पहले, बट अनफॉर्चुनेटली लोगों ने कॉल नहीं उठाया है, मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है, थिंकिंग दे आर टू बिग टू बी हियर और टू बिग टू शो देयर फेस। सो आई थिंक इट्स बेटर नाउ दे स्टे होम एंड लिसन टू व्हाट वी हैव टू से। और गाइस नेक्स्ट लोग, अरे 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 भाई, ये जो भी है इनको तो पर्सनल खुन्नस है भाई। हां वो तो ऐसा लग रहा है कि पॉडकास्ट बस फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जो भी है पूरा फ्रस्ट्रेटेड है ब्रो ये। ले मुद दिया तेरे पॉडकास्ट पे। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं स्काउट एंड मवी के रिलेटेड। तो गाइस कल अचानक से हमको स्काउट की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिली थी, जहां पर वो ये लिखे थे करण अर्जुन आ रहे हैं वापस से साथ में। एंड उसके कुछ समय बाद हमको मवी की तरफ से भी एक स्टोरी देखने को मिली थी, आप देख सकते हो। एंड फाइनली गाइस इसके रिलेटेड आज स्काउट रिएक्ट किए, बट वो ये भी रिवील किए कि हाँ पास में कुछ अनबन हो गई थी, बट नाउ एवरीथिंग इज शॉर्ट नाउ एंड वापस से हमको एक साथ देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली इस पर स्काउट ये कहे। सो गाइस बहुत दिनों से बहुत लोग खुश हो रहे थे कि स्काउट मवी साथ क्यों नहीं खेलते हैं, क्या दिक्कत है, लोगों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आ रही थी, फैंस अंदर इन द लेटर थे, बट एट द एंड ऑफ द डे घर के झगड़े घर पे रहती है, हुआ था कुछ अनबन बहुत पहले, बट वही था कि हम लोग ई स्पोर्ट्स, आप मेरे को देखोगे पिछले 1 महीने से मैं ई स्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा घुसा हुआ था, मावी भी अपनी टीम में घुसा हुआ है, सब चीज़ अपनी टीम में फोकस कर रहे थे, तो हम लोग ध्यान नहीं दे पाए थे। बट अभी रिसेंटली ये चीज़ आया है कि लोग इतने सोच रहे, मतलब भाई लोगों की डाउट ही क्लियर कर लेते, मैं और मावी अभी चीज़ें सॉर्ट हो चुकी है, बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग अपने चिल टाइम में साथ खेला करेंगे और आपको वो कभी मेरे स्ट्रीम देखेगा, मैं आपको कभी उसके स्ट्रीम पे देखूंगा, तो पहले ऐसा माहौल रहेगा चिल करके, कोई दिक्कत नहीं है। बस वही है कि इस चीज़ के बीच में हम लोग को बहुत सारे गिरगिट और दल्ले मिल गए, जो पता चला कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं, कि मेरे को 10 चीज़ें बोलना उसके बाद उसको 10 चीज़ें बोलना मेरे बाद, रियलिटी बहुत चीज़ मिल जाती है। अच्छा जो होता अच्छे के लिए, तो मैं तो ये बोलता हूँ ये चीज़ अच्छा हुआ तो जाके मिल गए जो हमारे पास हमारे थाली में बैठते थे और हमारे मायने में बैठे थे। अब बात करते हैं आपको कैसे मिल सकता है एक ब्रांड न्यू iPhone 15, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। एंड जिनको iPhone नहीं चाहिए वो आगे स्किप कर सकते हैं, आपका ही लॉस है। लेकिन अगर असली क्रिकेट फैन हो तो अपनी क्रिकेट नॉलेज का जलवा दिखाओ My11Circle ऐप पे, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो और अपनी टीम बनाओ 10 अप्रैल के राजस्थान वर्सेज गुजरात मैच के लिए। डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो iPhone 15। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस केवल 1 रुपए है और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 10 अप्रैल के मैच के लिए वैलिड है, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए और मेरे दिए गए लिंक से ही एक्टिव होगा। एंड टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो जिसमें फर्स्ट प्राइज मिनिमम 1 करोड़ है, तो सोचो और कितने बड़े प्राइज होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो और यूज करो मेरा कूपन कोड MECNEW एंड डिपॉजिट करते ही मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। तो गाइस देखो मैंने तो टीम बना ली है बिकॉज आई ट्रस्ट My11Circle एंड इट इज 100% सेफ। एंड अब तो My11Circle ऐप IPL की ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है, तो मेक योर टीम ऑन My11Circle फॉर राजस्थान वर्सेस गुजरात नाउ। एंड गाइस अब वापस से आते हैं वीडियो में। तो गाइस स्काउट के रिएक्शन के बाद जब मूवी लाए हुए थे वहां पर काफी लोग स्काउट चैट में स्पैम कर रहे थे। स्काउट स्पैम मत करो, स्पैम मत करो, हम खेलेंगे जब भी हमारा वो मैच करेगा, हमारी बात हुई है खेलने के लिए और हम खेलेंगे, डोंट वरी। आज हम लोग स्क्वाड बनाए हैं, मतलब बनी है, जो आज तो उसी के साथ खेलना पड़ेगा। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है गुजरात टाइगर के एक प्लेयर विक्स की तरफ से। तो गाइस एक चीज को लेकर वो काफी गुस्सा हो गए, उनकी तरफ से हमको एक स्टोरी देखने को मिली जहां पर वो ये लिखे एक नंबर की C Management @RAE Sports। इसके बाद गाइस ये चीज मैंने उनसे कंफर्म की व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। इस पर वो ये कहे एक मैच शुरू हो गया था बट वहां पर काफी सारे ग्लिच थे जिसकी वजह से मैच को रिस्टार्ट करना पड़ा, बट रिस्टार्ट होने के बाद भी जब वो मैच वापस से शुरू हुआ तो अपोलो बाहर हो गए थे मैच से एंड साथ ही में गुजरात टाइगर्स के सभी प्लेयर के माइक ग्लिच हो गए थे।
तो इसके बाद प्लेयर्स मैनेजमेंट को ये बोलते हैं कि आप एक बार वापस से रीस्टार्ट कर दीजिए क्योंकि हमको काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उनकी तरफ से गाइस ये रिप्लाई है क्योंकि एक बार मैच रीस्टार्ट हो चुका है, अब दोबारा से नहीं होगा। और गाइस नेक्स्ट एक थोड़ी सीरियस अपडेट निकल कर आती है टीम गॉडलाइक के रिलेटेड। तो गाइस कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था जहाँ पर गॉडलाइक के सीओडी मोबाइल की लाइनअप हमको ब्राजील में खेलते हुए दिखने वाली थी, और हमको गॉडलाइक की तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिला जहाँ पर वो कुछ ये लिखे, ब्राजील एम्बेसी के द्वारा वीजा प्रोसेसिंग में डिले के कारण हमारी टीम को टाइम के अंदर वीजा नहीं मिल पाएगा एंड हम लोग SPS COD मोबाइल मास्टर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये काफी डिसअपॉइंटिंग न्यूज है। साथ ही गाइस उन्होंने फैंस को सॉरी भी बोला कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एंड गाइस फिर गॉडलाइक लर्न ने एक ट्वीट में ये लिखे, ऑल दिस इंटरनेशनल स्क्रीम्स प्रैक्टिस हार्ड वर्क एंड देन लास्ट में वीजा की प्रॉब्लम कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई एम वेरी सैड एंड कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पर जो हमने एक सपना देखा है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का वो सेम रहेगा। ऑल द बेस्ट टू अदर टीम्स पार्टिसिपेटिंग। एंड गाइस वीजा इशू के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट की तरफ से। तो गाइस स्काउट के साथ में भी एक सेम वीजा इशू हुआ जिस पर रिएक्ट करते हुए वो ये कहे, एक बहुत खराब चीज हुई है, हम लोग का वीजा टाइम पे नहीं आया करके मैं आज का जो मैच वो देखने नहीं जा पाया हूं, मैनचेस्टर वर्सेस मैड्रिड। मैंने सोचा एक दिन में जाकर देख के आ जाऊंगा, साला वीजा ही एक्सपायर हो गया तो बहुत टाइम लग रहा था आने के लिए, कोई ना सेकंड लीग देख लेंगे। सोचो ना यार क्या प्यारा मैच, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट मैचेस था यार, वो देख के मजा भी आता, अलग मजा आता। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है ओरैंगुटैन के पॉडकास्ट के रिलेटेड जो कि निकल कर आती है SATUL सीट की तरफ से। तो गाइस को एक जन सीट को ये लिखे कि गोल्डी भाई एंड थक भाई हमको इसमें देखने को मिल गए हैं, नेक्स्ट क्या आप होने वाले हो? इस पर रिएक्ट करते हुए वो ये कहे, ओजी पॉडकास्ट डन विद थक एंड गोल्डी भाई, नेक्स्ट टारगेट इज यू। आई डोंट माइंड गोइंग टू अ पॉडकास्ट बट स्पेशली ओजी वाला तो मेरे को जाना ही है। लास्ट टाइम मेरे को एक ओजी नहीं, मेरे को कोई और पॉडकास्ट में बुलाया था कोई तो इवेंट में, और वहाँ पे ना मेरे को ऐसे लोगों के बीच में बुलाया था ना, मैंने बोला मैं नहीं आऊंगा भाई प्लीज, मेरा मतलब मैं अपना इंसल्ट करके नहीं लूंगा प्लीज। ऑनेस्टली मतलब ठीक है मैं अपने कुछ बढ़ा ही नहीं है, बट आई होप ओजी जब पॉडकास्ट करेगी और मेरे को इन्वाइट करेगी तो बाकी लोग भी मतलब ऐसे हो यार कि उनका बैठ के थोड़ा बात करने को कुछ मजा है यार, मतलब थोड़े से पुराने थोड़े से नॉलेजेबल लोग। तो कोई तो इवेंट के पॉडकास्ट में मेरे को बुलाया था, मैं बाकी के गेस्ट सुन के बोला मैं नहीं आ रहा है पॉडकास्ट में, पागल हो गया तुमने, आपको तोड़ा गया। हाँ मैंने देखा नहीं है अभी तक ओजी का पॉडकास्ट, हम लोग आराम से देखेंगे, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। व्हाई एवरी ऑर्ग इज टारगेटिंग। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है टीम हाइड्रा के रिलेटेड जो कि निकल कर आती है डायनेमो की तरफ से। तो गाइस वो रियट के करंट टूर्नामेंट में प्लेइंग के रिलेटेड आप देखिए, भाई बंदों से बोलो कि गाड़ी के चक्कर में ना मरे प्लीज टूर्नामेंट में, प्लीज चिल करो यार गाइस चिल करो, हम लोग ये टूर्नामेंट सिर्फ किल्स के लिए खेल रहे हैं, ताकि BGS में हमें थोड़ा सा यू नो एक्सपीरियंस अच्छा मिले। हम लोग जीतने के लिए नहीं खेलेंगे टूर्नामेंट, हम लोग सिर्फ किल्स के लिए खेल रहे हैं, जितना हो सके उतना लाइक किल्स निकालो, दैट्स इट। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है ट्राइडेंट ई-स्पोर्ट्स स्क्रीम्स के रिलेटेड। तो गाइस ये चीज पे अपडेट करते हुए ट्राइडेंट गेमिंग ये लिखे, जितनी भी BGS द ग्राइंड 2024 में 256 इनवाइटेड टीम्स हैं वो ट्राइडेंट इलाइट स्क्रीम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड तैयारी कर सकते हैं BGS 2024 के लिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड आप हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से रिप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ गाइस लुक्स लाइक फाइनली हमको BGMI में स्क्रीम्स देखने को मिलेंगी। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वन गेम फाइनल्स डे वन की ओवरऑल स्टैंडिंग, वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर वन पर है मार्कोस गेमिंग, देन टीम रेवेनेंट, नंबर फाइव पर है टीम गॉडलाइक, एंड अगर सेकंड चार्ट में देखे तो #12 पर है टीम सोल, #14 पर है टीम हाइड्रा, देन #16 पर है टीम एक्सपार्क। पर गाइस ये टूर्नामेंट के डे वन पर हमको टीम एक्सपार्क सारे मैचेस खेलते हुए नहीं दिखी थी, जिस पर रिएक्ट करते हुए टीम एक्सपार्क स्प्रे गॉड ये कहे, वन गेम टूर्नामेंट क्यों नहीं खेले शुरू के मैचेस, जय थैंक यू फॉर द सुपर चैट ब्रो, हम ट्रैवल कर रहे थे तो नहीं खेले, इसको कोई पिन कर दो इस बात को कहीं जिसको सबको पता चल जाए ये बात, यार मैं बार बार नहीं बोल पाऊंगा। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है लोल्स की तरफ से। तो गाइस कल जब लोल्स लाइव स्ट्रीम कर रहे थे वहां पर कुछ लोग चैट में जोनाथन स्पैम कर रहे थे कि जोनाथन के साथ में खेलो उनको बुलाओ, जिसके रिलेटेड लोल्स रिएक्ट किए आप देखिए, जॉनी कब लाइव आएगा उसको, यार देखो तुम मेरे को पूछते हो जॉनी कब लाइव आएगा, मेरे को कैसे पता चलेगा ये बताओ यार, वो आएगा गेम में ऑनलाइन रहेगा, उसको खेलना रहेगा तो रिक्वेस्ट भेजेगा अपन खेल लेंगे, भी मैं हर दिन मैसेज तो नहीं कर सकता ना भाई, आ रहा है क्या आ रहा है क्या आ रहा है क्या, ऐसे नहीं होता ना, वो भी इरिटेट हो जाएगा तो ऐसे नहीं करना। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है जी गॉड की तरफ से। तो गाइस जी गॉड रिएक्ट किया उनके लाइव स्ट्रीम के रिलेटेड, क्यों वो रेगुलर लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हैं आप देखिए, भाई डीएम मत करो भाई, जितने भी लोग बोल रहे कि एक दिन स्ट्रीम करता है एक दिन नहीं करता, तो यार बाबा आज थोड़ा सेटअप कर रहे थे स्ट्रीम का, बाबा को कुछ ऐड करने बोला तो आज तो अपन कर नहीं पाएंगे, कल से नॉन स्टॉप रेगुलर है,
तो कल से आ जाना सुबह 12 बजे। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं BGS वीक 2 के रिलेटेड। तो गाइस जितने भी इसमें इनवाइटेड टीम्स हैं फ्रॉम ग्रुप नंबर 9 टू ग्रुप 16 वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड ये ग्रुप्स के अकॉर्डिंग आपको ये वीक में गाइस ये टीम्स के मैचेस भी देखने को मिलेंगे। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है गॉडलाइक के एक प्लेयर सिम की तरफ से। तो गाइस वो रिएक्ट किए अपने आइडल के रिलेटेड गॉडलाइक हैवान के व्लॉग में, वहां से एक छोटा सा पार्ट यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, आप देखिए। जब तूने स्टार्ट किया था पबजी था ना तभी तो पबजी तभी तूने स्टार्ट किया था तभी कोई आइडल था तेरा? हाँ मतलब मैं देखता था इन लोग को, जॉनी भाई वगैरह सबको देखता था मैं, मतलब ऐसा मन नहीं कि मैं पॉम्पी खेलने आया तभी उस टाइम, बट मैं देखता था पूरा। हाँ तो जॉनी को देखता था तू? हाँ। और आज जॉनी के साथ खेल रहा है भाई, कितना अच्छा है ये, तेरे को एकदम अपॉर्चुनिटी भी मिला है और एकदम काइंड ऑफ सपना भी है ये कि भाई जिसको मैं देखता था उसी के साथ खेल रहा हूँ। कैसा है जॉनी का कॉम्स इन गेम? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम एक्सपार्क के रिलेटेड। तो गाइस कुछ दिन पहले हमको निंजा जोड की तरफ से ये सुनने को मिला था कि अभी करंटली उनको डिवाइस को लेकर एक इशू आ रहा है, जिसके रिलेटेड आज स्काउट एक्सप्लेन किए व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, आप देखिए। निंजा सिन डिवाइस आया, देखो सीन ऐसा हुआ था, पहले 15 प्रो लाया सबसे लेटेस्ट डिवाइस जो आया था, क्योंकि सब लोग को था कि 14 प्रो में लैंड पे होता है टूर्नामेंट्स तो हम लोग 15 प्रो में खेलेंगे। तो 15 प्रो ले गया, अब दो दिन में सबको सब लोगों ने बोला कि भाई 15 प्रो नहीं जम रहा है। तो सोचो दो दिन पहले नया जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन 15 प्रो जुगाड़ करके लेके आए भाई पूरा फ्रेश पेटी पैक, और 15 प्रो वापस रिटर्न किया, फिर 14 प्रो लाया, क्योंकि 14 प्रो पे सारे लैन हो रहे हैं अनटिल एनएस को डिवाइस स्पॉन्सर ना करे, तो 14 प्रो पे आप नोटिस करना सबके टूर्नामेंट्स होते हैं, तो इसलिए मेरी 15 प्रो पे शिफ्ट किया। अब 14 प्रो पे क्या हुआ, सबको जम गया, निंजा ने बोला कि मेरे को मैक्स चाहिए, मैं प्रो पे नहीं खेल सकता। अभी तो भाई 15 प्रो हमने देखे 14 प्रो लाया, और मैं उसको कहा तो 14 प्रो पे एडजस्ट कर ले, क्योंकि 14 प्रो में सभी खेल रहे, पूरा कम्युनिटी खेल रहा, क्योंकि वहाँ पे टूर्नामेंट लैन पे होने वाला है, बट निंजा को नहीं जम रहा था वो चीज़। तो मैंने बोला कि कुछ दिन रुक जा, 15 प्रो मैक्स का हम लोग कर लेते हैं तेरे लिए, तो तू बड़े स्क्रीन पे को जम जाएगा, क्योंकि उसका सर 14 प्रो मैक्स जो लैग करता है, तो उसके चक्कर में पीछे खेलता है आजकल, नोटिस करना आप लोग TX में पीछे खेलते हैं, क्योंकि उसका डिवाइस लैग कर जाता है बहुत। तो निंजा बोला कि यार उसका दिक्कत आ रही है, तू टेंशन, मतलब दो दिन में तेरा डिवाइस हो जाएगा, आजकल के अंदर नया डिवाइस लाएंगे। 13 प्रो मैक्स था उस पर, तो उसका चेंज करके 15 प्रो मैक्स करना है। अब मैं बस फिंगर्स क्रॉस डू कि गेम 15 प्रो मैक्स में चल जाए, तो 15 प्रो मैक्स पर फोन ही नहीं बचेगा बस। तो बस गाइस फिलहाल की वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद है तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जैसे कि मैंने आपको माय 11 सर्कल के बारे में बताया, तो ध्यान रखें आईफोन 15 जीतने के लिए दिए गए लिंक से माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करो और जीते 1 करोड़ रुपए, SUV कार और भी बड़े प्राइजेस। एंड हाँ, पहले डिपोजिट पर मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट।